To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. अब हम लोग जो आज शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.7 है, उससे रिलेटेड जिस पर हमको डिवीजन करना है उससे रिलेटेड जो कुछ है उसको मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट है कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। किसी भी डेसिमल नंबर में हमको 10, 100 एंड 1000 से डिवाइड करना है, उसको किस प्रकार करते हैं। जैसे सपोज किया जाए 2.5 है डिवाइड 10 है, 2.5 डिवाइड 10 है तो इज इक्वल टू 2.5 बाय या डिवाइड का मतलब होता है बाय 10, या इसी को हम चाहे तो इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर दें। आप जानते हैं सॉल्व करना, इसको हम मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो यहाँ 10 है तो यह 1/10 हो जाता है, क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम, या एक वन डिजिट और डेसिमल एक्स पार्ट आते हैं तो यहाँ भी 10 हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। और 25/100 हो गया तो चूंकि 25 100 से डिवाइड करना है, 1 पर 00 है, 20 है, इसलिए न्यूमरेटर में 2 डिजिट के वाटर से निकालेंगे और वह 0.25 हो जाएगा। एक स्थिति है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके किया, मल्टीप्लाई नहीं करते, जैसे 2.5 डिवाइड 10 है तो डिवाइड का अर्थ होता है बाय 2.5 बाय 10। अब इस यहाँ वन डिजिट का डेसिमल है या डेसिमल को नहीं भी अटैक कर सकते, जैसे 2.5 बाय 10 है तो 1 पर 10 है, यहाँ डेसिमल वन डिजिट के बाद है तो यहाँ चूंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए वन डिजिट और उसमें ऐड हो जाएगा, अर्थात 1 और 1 2 डिजिट का डेसिमल होगा, अर्थात यह 5 है और यहाँ 2 आ जाएगा यहाँ डेसिमल, अर्थात 0.25 आंसर हो जाएगा। इससे भी अलग हो सकता है, जैसे 2.5 है और डिवाइड 10 है तो 2.5 बाय 10, और इस डेसिमल को यदि हम हटाते हैं तो फिर से या तो इस पर 0 डालते हैं या मल्टीप्लाई 10 करते हैं, इसको हटाते हैं तो या 0 डालते हैं, 25 बाय 100 हो गया अर्थात 0.25। अर्थात 10 से अगर हमको डिवाइड करना रहता है तो जहां डेसिमल है उसे वन डिजिट लेफ्ट अगर हम हमको डेसिमल डालना पड़ता है, जैसे यहाँ 5 के पहले डेसिमल था तो अब जो हम डेसिमल डाले हैं वह तो 1 और 2, अर्थात 2 डिजिट का डेसिमल डाले अर्थात 0.25 हो गया। इसी प्रकार को दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3.7 है डिवाइड 10 है तो हम डालेंगे तो 3.7 बाय 10, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ 10 से डिवाइड करना है तो 1 डिजिट और ऐड हो जाएगा अर्थात 0.37 हो जाएगा, या इसी को फिर से आप 3.7 डिवाइड 10 है तो 3.7 बाय 10 इस डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ 0.37 बाय 100, क्योंकि यहाँ 1 पर 00 है इसलिए 2 डिजिट का डेसिमल हो जाएगा। तो इससे सबसे अच्छा यही है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको भी अगर करते हैं 100 से, चूंकि 100 से फिर हमको करना है अगले में तो इसको देखेंगे तो चूंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट का डेसिमल होगा अगर 0.37 हो जाएगा। तो अगर 10 से डिवाइड करना हो तो मुख्य रूप से यही ध्यान रखना है कि जहाँ डेसिमल है जिस पोजिशन पर जिस प्लेस पर डेसिमल है उसे 1 डिजिट लेफ्ट और कट जाते हैं और वही अपना सॉल्यूशन होता है। तो जैसे विदाउट कुछ किए हुए 0.5 डिवाइड 10 है, अगर इसमें 10 से डिवाइड करना है तो 1 डिजिट का डेसिमल है, अब जो आंसर होगा विदाउट सॉल्व किए हमको करना हो तो यहाँ जैसे 5 है 1 डिजिट हो गया, 10 से डिवाइड इसे और 1 डिजिट होगा तो यहाँ 2 डिजिट हो गया, डेसिमल लग रहे थे 0.05, कोई परेशानी नहीं। जैसे मान लीजिए 0.03 है डिवाइड 10 है या 2 डिजिट का डेसिमल है, 10 से डिवाइड करना है इसे डेसिमल और 1 डिजिट पहले चला जाएगा इसे 0.00। तो सॉल्व करेंगे इसका तो यही आपका सॉल्यूशन होगा, बनाइएगा कोई परेशानी आपको। तो 10 से देखा आपने, फिर 10 के बाद उसी प्रकार हम लोग 100 से देखेंगे तो 100 और 1000 चूंकि कोई परेशानी नहीं, अगर 10 से डिवाइड करना है तो 1 डिजिट का एडिशन है, 100 से करना है तो 2 डिजिट का एडिशन है, और 1000 से यदि करना रहता है तो 3 डिजिट के बाद उसको डेसिमल डालना रहता है। जैसे मान लिया जाए कि 457.3 डिवाइड 100 है, 100 से डिवाइड करना है तो 457.3 बाय 100, क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं 1 पर 00 है तो यहाँ जहाँ डेसिमल है यहाँ 1 डिजिट का डेसिमल है, 2 डिजिट और लेफ्ट की ओर आएंगे तो यहाँ 1 और 2 अर्थात टोटल 3 डिजिट का डेसिमल होगा, ये आंसर हो जाएगा 4.573। क्योंकि
100 से डिवाइड करना है, जहां डेसिमल है उसे टू डिजिट लेफ्ट में चले जाते हैं, तो 1.63 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको 1000 से करना है, मान लीजिए 5, 7, 8, 9, 4 यही डेसिमल है, डिवाइड 1000 है तो 57.8 by 1000 करते हैं, और चूंकि यहाँ डेसिमल जो है 3 डिजिट के बाद है और 1000 से डिवाइड कर रहा था, इसका भी 3 डिजिट है, तो यह 3 और यह 3 अर्थात 6 डिजिट के बाद डेसिमल होगा, लेकिन अपने पास यहाँ मात्र 5 ही डिजिट है, अर्थात उसे लेफ्ट की ओर हमें एक जीरो डालना पड़ेगा, तो 4, 9, 8, 7, 5, 0 चूंकि हो गया डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ डेसिमल डालने के, उससे पहले जीरो आप डाल देते हैं, 0.057894 अर्थात किसी भी जो नंबर है, जो डेसिमल नंबर है, इसमें अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं मतलब, तो जहां डेसिमल पहले से है उसे 1 डिजिट लेफ्ट डेसिमल चला जाएगा, 100 से करते हैं तो 2 डिजिट लेफ्ट डेसिमल चला जाएगा, और 1000 से करते हैं तो जहां डेसिमल है उसे 3 डिजिट लेफ्ट जाता है, तो आपने देखा है यहां डेसिमल है 3 डिजिट जाते हैं, यहां 2 डिजिट था इसलिए 10 डाल दिया था, 3 डिजिट लेफ्ट चला गया, तो मुझसे यही बात ध्यान में रखना है। अब उसके बाद होता है कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय होल नंबर, हम लोग बाय 10 100 किए थे, अब जो कर रहे हैं बाय होल नंबर को जरा ध्यान में देंगे कि होल नंबर से कैसे करते हैं, तो बाय होल नंबर अब जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन है कहता है कि 0.4 है, मान लीजिए डिवाइड करता है 2, यह डेसिमल नंबर है और यह क्या है होल नंबर है, इसमें डिवाइड करना है, तो 0.4 और डिवाइड है तो बाई 2, तो यहाँ डेसिमल हटाते हैं, इस डेसिमल को हटाया तो क्या हो गया मल्टीप्लाई 10, उसे काटते हैं 2 2 2 2 4 अर्थात यहाँ देख रहे हैं आप 2/10 हो जाएगा, और 2 में 10 से डिवाइड करने का भी तुरंत आपने देखा था कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल होता है, अर्थात 2 है, इससे पहले डेसिमल डाल देंगे, इससे पहले 0 डाल देंगे 0.2 हो जाएगा। इसको दूसरे तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे 0.4 है यहाँ डिवाइड 2 है, तो आप जानते हैं 0.4 डिवाइड इसको मल्टीप्लाई में अगर चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई हो गया, यह 2 है अर्थात 2/1 है, यह चेंज कर जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो गया, और जो न्यूमरेटर रहता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, अर्थात यहाँ 2/1 है इसलिए यहाँ हो जाएगा 1/2, और 0.4 है डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा 4/10 × 1/2 2 × 4 हो गया 2/10 हुआ, यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। तो आपने देखा किसी भी कोई भी डेसिमल नंबर है उसको होल नंबर से भी डिवाइड करना है, इस प्रकार हम कर ले सकते हैं। जैसे और हो कुछ हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3.96 है और डिवाइड 4 है, 3.96 डिवाइड 4 है 3.96 और बाई 4 भी आप कर दीजिए, कोई दर्शन ही नहीं है, यहाँ डेसिमल हटाते हैं तो चूंकि 2 डिजिट का डेसिमल था इसलिए मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब 4 चूंकि 96 आप लोग पढ़े होंगे क्लास 6 में पढ़े हैं डिजिटी टेस्ट है ना, और 4 लास्ट 2 डिजिट से बना हुआ जो नंबर होता है वह यदि 4 से डिजिबल होता है तो जो नंबर पूरा जो नंबर होता है वह निश्चित रूप से 4 से डिजिबल होता है, 96 है जो कि 4 से डिजिबल है, अर्थात यह नंबर जो है 4 से निश्चित रूप से डिजिबल है। अब काटिएगा तो 4 9 36 और 3 4 9 36 99/100, और अभी कुछ देर पहले हम लोग किसी भी नंबर में अगर हम 100 से डिवाइड करना था तो देखे थे 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाता था, तो यहाँ 100 है और 99 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे अर्थात 0.99 हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी जो नंबर होगा डेसिमल नंबर होगा उसको अगर होल नंबर से डिवाइड करना हो तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो एक आपने देखा था कि 10 से डिवाइड करना हो, 100 से करना हो, 1000 से करना हो, दूसरा आपने देखा कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय होल नंबर, होल नंबर से करना हो, और एक अंतिम स्थिति आ सकती है कि डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय डेसिमल नंबर, बाय डेसिमल नंबर, तो उसको भी जरा ध्यान दे दीजिए। By decimal number,
डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय डेसिमल नंबर्स है, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। अब कोई नंबर है उसमें डेसिमल है और उसको हमको डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए 3.25 है और डिवाइड करना है 0.5, आप देख रहे हैं 3.25 है और डिवाइड करना है 0.5, यह भी डेसिमल नंबर है और इसे डिवाइड करना है वह भी डेसिमल नंबर है, इसमें आप दोनों को चेक कर सकते हैं, तो परेशानी नहीं है। 3.25 आप देख रहे हैं या बाय 0.5, तो कई एक तरह से बना सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ देख रहे हैं 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इस डेसिमल को यदि हटाते हैं तो यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है इसको हटाते हैं तो ऊपर 10 हो जाएगा, और 10 से 10 काट दे सकते हैं आप, 5 से काटिएगा तो 5 6 30 2 और 5 5 25 65 बाय 10 होगा, और 65 चूंकि 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट का डेसिमल होता है अर्थात 6.5 हो जाएगा। एक स्थिति है उसके, दूसरा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3.25 है डिवाइड 0.5 है, डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ हटाए तो बाई 100 हो गया, यहाँ भी हटाए तो यहाँ भी 10 हो गया, और 325 बाई 100 और यहाँ डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो भी डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में जाएगा तो 10 बाई 5 हो गया, और यहाँ 10 से 10 कैंसिल हुआ, 5 से काटे 5 6 35 बाई 10 हो गया, और 65 में 10 से डिवाइड करते हैं, शुरू में पढ़े थे किसी भी नंबर में अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल डालते हैं, तो यहाँ 65 है अर्थात राइट हैंड की ओर से 1 डिजिट के बाद डेसिमल डालने में 6.5 हो जाएगा। आपने इसमें देखा कि डेसिमल नंबर में 10 से 100 से या 1000 से डिवाइड करना हो, डेसिमल नंबर में हमको किसी होल नंबर से डिवाइड करना हो, और डेसिमल नंबर में किसी डेसिमल नंबर से डिवाइड करना हो, तो यही स्थिति आती है। और दूसरा भी हो सकता है, मान लीजिए जो क्वेश्चन है 12.5 है और डिवाइड करना है डिवाइड करना है 0.5 से, तो क्या हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं 12.5 और बाय 0.5। अब सेम डिजिट है चाहे तो हम, क्योंकि 1 डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ भी, चाहे तो दोनों को काट सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ हटाते हैं तो यहाँ भी 10 हो गया, 10 से 10 कैंसिल, 5 से काटते हैं तो 5 2 10 25 अब हम लोग जिससे रिलेटेड हमको बनाना था उसको देख लिए हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सरसाइज 2.7 पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। तेरा चलिए रहा चले चल 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 अब है क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, तो 0.35 है फर्स्ट है, फर्स्ट का सेकंड है 0.35 डिवाइड है 5, तो 0.35 इनटू 5 बाय में कुछ है तो 5 बाय 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, और इस 35 है 0.35 है 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसको हटाते हैं यहाँ 100 हो जाएगा, 5 से काटते हैं तो 5 7 35 7/100 है, और चूंकि 100 से डिवाइड करते हैं 1/00 इसलिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा, अब 0.07 हो जाएगा। अब यह सही है या नहीं इसकी भी जाँच कर लेनी चाहिए, चूंकि 5 से डिवाइड कर रहे थे सॉल्यूशन अपना 0.07 आया, ये सही है कि नहीं इसको जांच कर लेते, 0.07 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 35 और 50 से गुणा करते हैं तो 0 0 3 इतना 0.35 जो 0.35 मिलियन था उसके बराबर आ गया, तो आप समझ सकते हैं हम जो डिवाइड किए हैं वो तो सही है, अगर नहीं तो फिर से दोबारा उसको चेक कर ले सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हो सकता है 0.80 डिवाइड है 0.80 डिवाइड है 5, 0.80 है डिवाइड 5 भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/5 भी कर सकते हैं, दोनों बात दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो आप जैसा करें आप 5 ही करते हैं, डेसिमल हटाए तो मल्टीप्लाई 100 हो गया, 5 से काटिए तो 16 5 80 16 by 100
और डिवाइड करेंगे तो 0.16 आपका सॉल्यूशन 100 से डिवाइड कर रहे हैं सर, टू डिजिट के बाद इसमें हो जाएगा तो 0.16 हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, चूंकि इससे पहले टोटल एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लिए हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर टू के जो आते हैं तो उसमें क्या करना है कि 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड देखे ही है, 10 से डिवाइड करना है तो 4.8 है डिवाइड 10 है, तो 4.8 डिवाइड 10 आपने देखा था कि 10 से डिवाइड करते हैं तो वन डिजिट के पार्टिसिपेंट डालते हैं, तो 0.48 भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, यदि है ना, नहीं तो हम ऐसा कर सकते हैं 4.8 डिवाइड 10 है तो 4.8 इंटू 1/10, यहाँ डेसिमल हटाते हैं आप, बाई 10 है 48/100। और चूंकि आप 100 वाला भी सीख चुके हैं, अगर आप चाह रहे हैं तो इससे भी कर सकते हैं, तो 48/100 से डिवाइड करेगा तो 0.48, किसी भी प्रकार करेंगे तो आपको 0.48 ही होगा। चूंकि 10 से डिवाइड करने से डायरेक्ट 10 से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, 10 से डिवाइड किए तो 1 और 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया और 0.48 हो गया। इसी प्रकार 2 का और एक देख ले हम लोग, 7 क्वेश्चन 3.97 डिवाइड 10 है, तो 3.97 और डिवाइड 10 है तो डिवाइड 10 कर दीजिए, और चूंकि यहाँ 2 डिजिट का डेसिमल है 10 से डिवाइड करना है तो 1 डिजिट ऑड हो जाएगा तो 3 डिजिट का डेसिमल होगा और 0.397 हो जाएगा। और इसको चेक करना हो तो 0.397 में 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3.97 होता है, इसे ऑलरेडी सही। अब हम लोग 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 100 से डिवाइड करना, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा कि हमारा सही है या गलत। जैसे 0.397 आपने देखा था 10 से डिवाइड करना था, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0000793007930 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है 3.97 लास्ट में 0 कोई वैल्यू नहीं, 3.97 मिल गया, इसका अर्थ है हम लोग जो सॉल्यूशन किए हैं सही है। नहीं तो आप इस प्रकार भी इसको बना सकते हैं, वैल्यू में बना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग 10 के बाद 100 पर विचार करते हैं कि 100 से डिवाइड में कौन कौन क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3 का फर्स्ट है 2.7 डिवाइड 100, 2.7 में 100 से डिवाइड करना है तो 2.7 और मल्टीप्लाई इसको, यह 100 बाई, यहाँ 100 है इसका 100 बाई 1 है, इसको आप मल्टीप्लाई 1/100 भी कर सकते हैं, और 2.7 है तो यह 2.7/100 हो गया, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और 100 से डिवाइड करना है तो 2 और 1 3 डिजिट का डेसिमल होगा, अब 7 2 और 1 डिजिट और पूरा करेंगे, यहाँ 0 लेफ्ट की ओर डालेंगे 0.027 आंसर होगा। दूसरे तरह से इसको बना सकते हैं, 2.7 डिवाइड 100 है तो 2.7 बाई 100 इसको डेसिमल को हटाइएगा इनटू 10 तो 27 बाई 1000, और चूंकि 1000 से डिवाइड करने का भी पहले हम लोग सीख चुके हैं, 1000 से करते हैं तो 3 डिजिट का डेसिमल होता है, तो यहाँ 72 है तो 72 एक 0 डाल दिए 3 डिजिट हो गया, डेसिमल डाल दिए 0.027, और फिर इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से हमको 2.7 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और क्वेश्चन हो सकता है 3 का फर्स्ट के बाद हम लोग चले 6 पर चलते हैं, 98.53 डिवाइड 100, तो 98.53 डिवाइड 100 है तो बाई 100 भी कर सकते हैं, और चूंकि 2 डिजिट के बाद है 100 से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट और ऐड हो जाएगा तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 2, अर्थात 9853 यहाँ डेसिमल हो जाएगा अर्थात 0.9853। चेक करने के लिए 0.9853 में 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड की ओर डेसिमल जाता है, डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड की ओर जाता है, 0.9853 इंटू 100 यदि है तो राइट हैंड की ओर जाएगा तो 2 डिजिट, तो 98.53 आंसर होगा, जो कि यही मेरा क्वेश्चन था, अर्थात हम लोग जो सॉल्यूशन किए हैं बिल्कुल सही है। दूसरे तरह से भी इसको आप चाहें तो कर सकते हैं, 98.53 डिवाइड 100 है, अब 98.53 बाई
100 यहां डेसिमल हटा दिए, हम यहां मल्टीप्लाई किए, 100 बाय 1 था तो यह 1 बाय 100 हो जाएगा। अब 9853 बाय 10,000 और डिवाइड करेंगे तो 0.9853 आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहां भी आया था। इतने प्रकार से आप कर सकते हैं, तो 100 का भी हो गया। अब लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर रहा है, तो 1000 से जैसे 10 100 और 10 और 100 का देखे हैं, 10 से डिवाइड किए हैं तो वन डिजिट लेफ्ट की ओर डेसिमल गया है, 100 से किए हैं तो टू डिजिट लेफ्ट गया, और 1000 से करते हैं तो 3 डिजिट लेफ्ट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका 4 का फर्स्ट फाइंड है 7.9 डिवाइड 100, तो आपने देखा था कि 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट की ओर जाता है, तो 7.9 बाय 1000 3 डिजिट लेफ्ट जाना है, लेवल 8 यहां है और यह दोनों लेके 2 डिजिट हुआ तो जाना है 4 डिजिट, लेकिन मेरे पास है 2 तो 97 और 20 डालना पड़ता है, 20 डाल दिए डेसिमल 0.0 क्योंकि 1000 से है तो 3 यहां और 8 1 3 और 1 4 4 डिजिट के बाद डेसिमल आना है 9700 अर्थात 0.0079। अब यह सही है या गलत इसमें भी चेक, मैं बार बार कहता हूँ कि चेक कर लीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल होता है, क्योंकि 1/3 0 इसमें 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट राइट हैंड की ओर डेसिमल जाता है, ताकि 7.9 हो जाएगा, ताकि जो 7.9 था बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से दूसरे तरह से भी आप कर सकते हैं, 7.9 डिवाइड 1000 है तो 7.9 बाय 1000 और इस डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, और 79 में अगर इसे 1/4 0 है 4 0 से भाग करेंगे तो 4 डिजिट लेफ्ट की ओर डेसिमल जाएगा, 9700.0 अर्थात 0.0079 हो जाएगा। 4 का क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख ले, क्वेश्चन नंबर 5 अब है 0.05 है डिवाइड है 1000, वही 0.5 और डिवाइड है 1000, क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि किसी भी डेसिमल नंबर में अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल होता है वो 3 डिजिट लेफ्ट जाता है, तो यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, क्योंकि 1000 से डिवाइड करना है तो 3 डिजिट और लेफ्ट की ओर जाएंगे, 1 डिजिट के बाद था और 3 डिजिट और जाना है तो 3 और 1 4 डिजिट के बाद डेसिमल होना है, अर्थात 5 फिर 0 0 0 1 2 3 4 डिजिट हो गया डेसिमल 0, अब 0.005 होगा। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं, फिर इसको चेक करने की बात होगी, 0.0005 में अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 3 डिजिट राइट हैंड की ओर जाता है, तो 3 डिजिट जैसे डेसिमल यहाँ है तो 3 डिजिट राइट जाएगा तो 1 2 3 अर्थात क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, क्योंकि यह जो है इसके बराबर होता है, इसमें कोई परेशानी नहीं। दूसरे मेथड से भी इसको करते हैं, अभी हैं फिर 0.5 डिवाइड 1000 है तो 0.5 इंटू डिवाइड 100 है 1000 है, इसका अर्थ है कि बाय 1 है तो 1 बाय 1000 आप कर सकते हैं, और इस डेसिमल को हटाते हैं तो बाय 10 हो गया तो 5 बाय 10000 और 5 बाय 10000 में अगर डिवाइड करते हैं क्योंकि 1/4 0 है इसीलिए 4 डिजिट के बाद डेसिमल होगा तो 5000.0 अर्थात 0.005 हो जाएगा, यही सॉल्यूशन होगा। शेष अब एच डब्ल्यू की बात कर लें तो एच डब्ल्यू लिख लेंगे हम लोग सॉल्व एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1-4। मेनी मेनी थैंक्स, शेष नेक्स्ट वीडियो में।